हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज वीडियो मैं अपने पांच स्केच दिखाऊंगा जो मैं बेस्ट लगते हैं। बेस्ट नहीं, मैं सारे ओल्ड स्केच बनाए उन्होंने मैं भाई भी मैं सिलेक्ट किए तो क्योंकि उन्होंने मैं कोई ना कोई मिसटेक लगी है। सो गाइस, मैं तुम्हें दिखाऊंगा पांच स्केच तो मैं बेस्ट भी उन्होंने वो भी दसूंगा। सो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होगी, एंड तक जरूर देखियो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, आ फाइव आर्ट वर्क्स ने जो मैं बेस्ट लगते हैं, सारे मैं ए थ्री साइज से बनाया। ए फोर से मतलब मैंने ज़्यादा स्कैचेस नहीं बनाए, ऑलरेडी ए फोर से भी बना रहा हाँ, तो वो भी वीडियो बना पा दूंगा मैं यूट्यूब चैनल पर। सो गाइस, फर्स्ट है मिस्टर बीन का, तुम देख सकते हो कि ज़्यादा समूथ ब्लेंडिंग शेडिंग हुई है फेस पर, तो कोट से देख सकते हो कि समूथ टैक्सचर आया वा। हेयर तुम देख सकते हो कि रियलिस्टिक लग रहे हैं। वाइट वाइट बच्चे मैं डेंटिंग टेक्निक यूज़ की थी, तो वो उपर टोम जीरो इरेजर। सो देख सकते हो कि रियलिस्टिक लग रहा स्कैच। तो सैकेंड हैगा वा आ मैं गर्ल का बनाया सीगा। सो ये देख सकते हो इतने भी हेयर किन्ने रियलिस्टिक लग रहे हैं। फेस से तुम देख सकते हो कितनी स्मूथ ब्लेंडिंग हुई है। मैं टिश्यू पेपर का यूज़ किया, हर स्कैच से मैं टिश्यू पेपर का यूज़ करता वहाँ समूथ ब्लेंडिंग लिए। तो क्लोथ का तुम देख सकते हो, टैक्सचर देख सकते हो, डिटेलिंग देख सकते हो। सो गाइस, थर्ड स्कैच है वह रोनाल्डो का। तो रोनाल्डो की इतनी तो मैं वीडियो पहला भी बनाई थी, कंपैरिजन किया है। मैं तीन स्कैच बनाए थे रोनाल्डो के, उसमें तो कंपैरिजन किया। सो गाइस, देख सकते हो तुम कितना रियलिस्टिक इफेक्ट आया वा। सो गाइस, आ भी स्कैच मैं बहुत ज़्यादा फेवरेट लगे। सो गाइस, नेक्स्ट है वा। सो गाइस, नेक्स्ट स्कैच है, देख सकते हो तुम भी। सारे मैं A3 से बनाए, सारे आर्टवर्क जो मेरे ज़्यादातर मैं A3 से बना ड्रॉ किए। A4 तो मैं पहले ड्रॉ करता सी, तो हूँ मैं दोबारा हूँ A4 से स्टार्ट कर रहा वा। सो देख सकते हो तुम हेयर करली हेयर बनाने लिए मैं अराउंड 2 आवर्स लग गए थे। कैमलिन की सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया गया मैं, तो ब्लेंडिंग लिए सेम वही टिश्यू पेपर का यूज़ किया गया, तो ब्लेंडिंग ब्रश का ज़्यादा समूथ करने लिए टिश्यू पेपर का। सो इस नैक्सट लास्ट स्कैच है वह हैरी पॉटर का। सो इस मैं बहुत ज़्यादा बेस्ट लग्या। सो इस क्योंकि इतनी शेडिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट हुई है, ये मैं ट्यूटोरियल भी पाया हुआ फेस शेडिंग का, तो देख सकते हो जाकर तुम मेरी वीडियो से देख सकते हो तुम। तो जो कोट है ये मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का यूज़ किया कैमलिन की, तो हेयर च भी सॉफ्ट चारकोल पेंसिल का। तो स्पैक्स बनाने लिए मैं ग्लासिस बनाने लिए मैं पेन का यूज़ किया ब्लैक पेन का। तो हाईलाइट लिए मैं टॉम बोमोनो इरेज़र का यूज़ किया जो तुम हेयर च हाईलाइट देख रहे हो। सो गाइस, आई सी हैरी पॉटर का स्कैच। सो गाइस, मैंने पता हले ये भी स्कैच हले इन्हें परफेक्ट नहीं है जो मैं तुम्हें 5 आर्टवर्क्स दिखाए हैं। हौली हौली मैं इंप्रूव कर रहा वहाँ, हौली हौली मैं हम डेली आर्टवर्क्स ड्रॉ कर रहा वहाँ, हौली हौली इंप्रूवमेंट कर रहा। तुम मेरी ओल्ड वीडियोज़ देख सकते हो, ओल्ड वीडियोज़ तो हम न्यू वीडियोज़ तो तुम देख सकते हो, कंपेरिजन कर सकते हो कितने ज़्यादा ड्रॉइंग प्रोग्रेस हुई है। सो गाइस, हम मैं डेली ज़्यादा से ज़्यादा आर्टवर्क बनाने की ट्राई कर रहा वहाँ, ज़्यादा रियलिस्टिक बना। सो गाइस, ये आर्टवर्क से 5 ये मैंने बेस्ट लगते हैं, तो तुम दिखाते हैं। सो गाइस, इन्हें तुम वीडियो देख सकते हो, सारे स्कैचेस की वीडियो मेरे चैनल पर तुम अवेलेबल है, तुम देख सकते हो। सो गाइस, आ 5 आर्टवर्क्स ने तुम दिखाते हैं मैं वन बाय वन, तो इन्हें तुम शेडिंग देख ली है, हेयर देख लिया मैं कि ड्रॉ किए हैं, सब तुम्हें दिखाता वा। सो गाइस, बस आई सके स्कैचेस। सो गाइस, आज की वीडियो जिन्हें वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक कर दो, चैनल में सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।